Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter electrochemistry and today we will discuss example number four. So here the example is resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 मोल पर लीटर कंडक्टिविटी पॉइंट जीरो 0.1 मोल पर लीटर के सी एल सोल्यूशन बेटा यहाँ पर आप दो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कौन कौन से सोल्यूशन है यहाँ पर नोट डाउन करेंगे पहला है के सी एल सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है जीरो पॉइंट वन मोल पर लीटर इसका रेसिस्टेंस है हंड्रेड ओम और इसी की कंडक्टिविटी आपको गिवन है कंडक्टिविटी कितनी बेटा कापा कापा कितना गिवन है आपको 1.29 साइमन पर मीटर साइमन इज ओम इनवर्स ठीक है ओके फिर क्या कहा है क्वेश्चन में अगर आपने सेम सेल में फिल कर दिया है कोई दूसर दूसरा सॉल्यूशन दूसरा केसीएल सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन है इसको दूसरे कलर से लिखेंगे जिसकी कंसंट्रेशन है 0.02 मोल पर लीटर तो रेजिस्टेंस आया आपके पास 520 ट्वेंटी ओम क्या कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मतलब कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम ये आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे बेटा अब यहां से वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे देखो लेमडा एम की वैल्यू कितनी होती है लेमडा एम इज कापा बाय सी ये तो आराम से निकाल पाएंगे राइट हमें पहले कंडक्टिविटी निकालनी होगी सेकेंड वाले सोल्यूशन की ठीक है अब कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए देखो बेटा हमें पता है कापा इज इक्वल्स टू जी इनटू जी स्टार अब ये जी स्टार क्या है जी स्टार का मतलब है एल बाय ए इसको हम बोलते हैं बेटा सेल कॉन्स्टेंट ठीक है जो सेल आपने बनाया है जो इलेक्ट्रोड्स हैं कुछ लेंथ होगी कुछ एरिया होगा तो वो तो फिक्स है आप उस सेम सेल में कुछ भी डालें जब तक आप सेल चेंज नहीं करेंगे उसका सेल कॉन्स्टेंट सेम रहने वाला है ठीक है तो जी स्टार इज द सेल कॉन्स्टेंट जी क्या होता है बेटा कापा इज कंडक्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी रो इतनी चीजें समझ आ गई ओके तो हम यहां पर लिखेंगे कापा इज इक्वल्स टू जी को हम क्या लिख सकते हैं वन बाय आर एंड जी स्टार इज द सेल कॉन्स्टेंट सेल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो बेटा एल बाई ए तो इसको अभी जी स्टार ही लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है जी स्टार तो कितना साइमन पर मीटर इन टू रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस कितना है, है बेटा 100 ओम ठीक तो क्या हम साइमन को भी ओम इनवर्स लिख लें यहां पर हमें साइमन को भी लिख लेंगे ओम तो 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 ये ohm inverse ohm तो inverse. ये 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 से पे कितना कितना आएगा बेटा ध्यान रखना है कि ये value है कि तो अगर आप चाहें तो इसको inverse में भी convert कर सकते हैं आ तो जाएगा बेटा इनवर्स ठीक है मर्जी आपके मीटर इनवर्स में रहने दीजिए हम साइमन पर मीटर में ही निकालेंगे कंडक्टिविटी तो अब क्या करना है आपको कंडक्टिविटी निकालनी है सेकेंड सॉल्यूशन के लिए तो वापस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इक्वल्स टू जी इन टू जी कैलकुलेट करना है जी जी वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट कर ली है so, सो कितना है बेटा मीटर इनवर्स में ही रख लेते हैं वन ट्वेंटी नाइन मीटर इनवर्स डिवाइड बाय आर कितना फाइव ट्वेंटी ओम तो के कितना आया डिवाइड करो उसको तो यह आ जाएगा बेटा 0.248 यूनिट क्या आएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एंड ओम इनवर्स इज साइम मीटर इनवर्स सो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन विच हैज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.02 मोल पर लीटर ठीक है और क्या कैलकुलेट करना है बेटा और आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी तो देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है लेमडा एम इज इक्वल्स टू कापा बाय सी ओके एम इक्वल्स टू कापा कितना है बेटा 0.248 पॉइंट टू फोर एट साइमन मीटर इनवर्स यहां पर यूनिट साथ साथ लिखेंगे बेटा वरना तो पक्का ही क्वेश्चन गलत होने वाला है by, है डिवाइड बाय कितनी 0.02 मोल पर लीटर तो यहां पर तो कुछ भी कैंसिल आउट सा नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे इनको चेंज करेंगे ये जो है साइमन मीटर इनवर्स इसको हम चेंज करेंगे बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में तो कापा इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फोर एट साइमन डिवाइडर ऐसा है ये और एक मीटर में होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर तो देखो डायरेक्टली हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं लेमडा एम इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फोर एट डिवाइड बाय जीरो पॉइंट जीरो टू यूनिट क्या है साइमन और मोल ये तो ठीक है ऊपर क्या है बेटा लीटर इनवर्स है तो ऊपर जाएगा लीटर और ऊपर मीटर इनवर्स है तो नीचे आया मीटर अब इन दोनों को आपको चेंज करना है ठीक है मीटर को हम क्या लिख सकते हैं मीटर को हम लिखेंगे हंड्रेड सेंटीमीटर एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं और लीटर को कैसे चेंज करेंगे बेटा लीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में तो एक लीटर में आपके पास होते हैं वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब तो यह जाएगा वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब आप इसको सॉल्व करेंगे सो लेमडा एम इज इक्वल्स टू पॉइंट टू फोर एट इंटू वन थाउजेंड इज टू फोर्टी एट डिवाइड बाय पॉइंट जीरो आपके पास साइमन एक सेंटीमीटर से ऊपर वाला एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सो एम इज इक्वल्स टू स्क्वे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद ठीक है बेटा इतना समझ आया चलो अब देखते हैं कि आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन है देखो सबसे पहले क्या किया द सेल कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन सेल कॉन्स्टेंट इज जी स्टार इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इन टू रेसिस्टेंस ये कहां से आया ये जो हमने यहां पर अभी ये वाला फॉर्मूला लिखा था सेल कॉन्स्टेंट इज जी स्टार कंडक्टिविटी इज कापा इन टू रेसिस्टेंस इज आर आर को ही हम क्या लिख सकते हैं वन बाय जी तो ये क्या हो जाएगा जी इंटू जी स्टार इज इक्वल्स टू कापा ठीक है ये यही वाला रिलेशन है बेटा जो आपने यहाँ पर यूज किया है चलो आगे क्या है आपने इनकी सबकी वैल्यूज पुट कर दी 1.29 पॉइंट साइमन पर मीटर 100 ओम तो ये आ गया मीटर इनवर्स में और ये आया सेंटीमीटर इनवर्स में उसके बाद क्या किया कंडक्टिविटी कैलकुलेट की 0.02 मोल पर लीटर वाले केसिल सॉल्यूशन की कितना आया सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेसिस्टेंस कॉन्सेंट्रेशन थी आपके पास पॉइंट मोल पर लीटर इसको यहीं पर पहले ही इन्होंने चेंज कर लिया है मोल पर मीटर क्यूब में हमने यहां पर क्या किया था हमने इसको चेंज किया था सेंटीमीटर क्यूब्स में ठीक है तो ये मीटर क्यूब में आ गया अब फिर निकाला मोलर कंडक्टिविटी एम कापा डाय सी तो यहाँ इन्होंने ये वैल्यूज कैलकुलेट की है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आप चाहें तो ये वाली जो वैल्यू आई है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में ठीक है लेकिन आगे इन्होंने क्या किया है देखो इन्होंने सेंटीमीटर इनवर्स में भी कैलकुलेट करके बताई है ऑल्टरनेटिवली ओम ठीक है तो कापा इन्होंने निकाला साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में फिर यहाँ पे लेम एम निकाला कापा इंटू वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऐसा क्यों बेटा यहां पर भी कापा बाय सी मिसिंग है यहां पर एक होना चाहिए कापा बाय सी कॉन्सेंट्रेशन भी तो होती है ठीक है तो अब क्या किया यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दी सेंटीमीटर में और आपका फाइनल आंसर आ गया 124 ट्वेंटी फोर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो क्या किया बेटा इन्होंने दोनों तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट की हैं हमने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में की है इन्होंने साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में भी की है और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स में भी की है तो आप जिस पे चाहें वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जाम्पल में तब तक के लिए बाय बाय